हरियाणा की जुलाना सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। वजह है विनेश फोगाट की चुनावी मैदान में मौजूदगी। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। आपको इसी से जुड़ी हुई एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जुलाना हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट है। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पे यहाँ चुनाव मैदान में उतरी हैं। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया और लगातार कांग्रेस के बड़े दिग्गज यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का डमी लेकर एक युवा आया है, कांग्रेस का समर्थक है। यहाँ कुछ कार्यकर्ता समर्थक तमाम लोग आए हैं, जुलाना के लोग हैं। पहले तो लोगों से बात करते हैं, दीपेंद्र जी का लेकर आए हो, बड़े हुड्डा जी का क्यों नहीं लेकर आए हैं? भाई प्रेम अपना दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज्यादा लगाव है भाई साहब। युवा है ये? हाँ युवा है जी, इसलिए। हाँ जी, हर जमा सीधे सादे और सादवी जीवन वाले आदमी है। जब इनके कंधों पे स्टैचू ले रहे हैं जी। हाँ जी, तो आप जुलाना से ही हो? ना जी, मैं उचाना था हूँ। उचाना से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के प्रशंसक हैं, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा के डमी को लेकर यानी उनकी एक प्रतिमा को लेकर यहाँ पहुंचे। टक्कर किस में विनेश फोगाट की? विनेश फोगाट की बीजेपी में। बीजेपी और विनेश फोगाट की? हाँ जी। अभी अपर हैंड किसका? अपर हैंड विनेश फोगाट जी। अभी अपर हैंड आप बताए, आप कहाँ से? ठीक है, क्या है मामला, कौन भारी है यहाँ? विनेश फोगाट। आप कौन? बड़ौदा से सर। कौन भारी है? विनेश फोगाट है यहाँ भारी। और टक्कर किस से? टक्कर तो बीजेपी से। बीजेपी किस से टक्कर? जो बीजेपी सरकार है उससे आम जन बिल्कुल तंग आ चुका है। सही, कर्मचारियों का आंदोलन, वहाँ भी सरकार ने लाठे मारे। निर्दलीय उम्मीदवार लाठर, निर्दलीय उम्मीदवार लाठर भी है, वो टक्कर में है। कौन से वाले? निर्दलीय मुकाबला ही नहीं। दूसरा नंबर है सुरेंद्र लाठर, पहला नंबर फोगाट से। और बीजेपी थर्ड पे? ना, तीसरा नंबर पर। बीजेपी? हाँ, तीसरा नंबर। आप बताए, आप कहाँ से? यहीं से। यहीं से। कौन है, कितने नंबर पे? यहाँ जी एक नंबर पर विनेश फोगाट है, उसके पीछे इनका किसी का कोई मुकाबला नहीं है। थोड़े थोड़े वोट लेके जाएंगे वो। विनेश फोगाट के 90%। आप बताए, आप कहाँ से? कौन है मुकाबले में? मुकाबले में कोई नहीं है जी। कोई नहीं है? एक तरफा विनेश। एक तरफा है? एक तरफा विनेश। एक तरफा। देख सकते हैं विनेश फोगाट के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। देखना होगा 8 अक्टूबर को नतीजे क्या होते हैं, लेकिन हर तरह के रंग हरियाणा के अलग अलग हिस्से में देखने को मिल रहा है और यहाँ भी इसी तरह का रंग देखने को मिला है। कैमरा पर्सन नकुल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, जुलाना हरियाणा।